नमस्कार, स्वागत है आप सभी का कार्यक्रम ऐसा क्यों में, और मैं हूं आपके साथ नेहा सर्वेश शुक्ला। आपने देखा होगा कि विवाह के बाद हर सुहागन स्त्री सुहाग के निशानी के तौर पर मांग में सिंदूर लगाती है, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि अगर सुहागिन महिलाएं प्रतिदिन अपनी मांग सिंदूर से भरती हैं तो उनके सुहाग यानी पति की उम्र लंबी होती है। लेकिन क्या कभी आपने ये सोचा है कि आखिर सिंदूर को सुहाग के निशानी मानकर महिलाएं क्यों मांग सजाती हैं? असल में इसका धार्मिक ही नहीं वैज्ञानिक कारण भी है। क्या है वो वैज्ञानिक कारण, चलिए जानते हैं। मांग में सिंदूर भरना औरत के सुहागिन होने की निशानी माना जाता है। विवाह के समय वर द्वारा वधू की मांग में सिंदूर भरने के संस्कार को सुमंगली क्रिया कहते हैं। मांग में सिंदूर लगाना हमारे अनेक रीति रिवाजों में से एक है। हमारी महान भारतीय संस्कृति के हर रीति रिवाज और रस्मों के पीछे कोई न कोई वैज्ञानिक कारण छिपा है, और मांग में सिंदूर लगाने के पीछे भी एक बहुत बड़ा कारण है। वैज्ञानिकों के अनुसार ये मामला पूरी तरह स्वास्थ्य से जुड़ा है। जहां मांग भरी जाने की परंपरा है, विवाहित स्त्रियां हमेशा अपनी मांग में सिंदूर मस्तिष्क के बीच में भरती हैं। वैज्ञानिकों के अनुसार महिलाओं के मस्तिष्क में इस स्थान पर एक महत्वपूर्ण ग्रंथि स्थित होती है, जिसे ब्रह्मरंध्र कहा जाता है। ब्रह्मरंध्र ग्रंथि के शुरू से लेकर अंत तक इसलिए सिंदूर लगाया जाता है क्योंकि सिंदूर में एक पारा नामक धातु पाई जाती है। ऐसा माना जाता है कि पारा मस्तिष्क के तनाव को कम करता है, तथा इस धातु के कारण ही महिलाओं का मस्तिष्क हमेशा चैतन्य अवस्था में रहता है। इसके अलावा वैज्ञानिकों का मानना है कि जब किसी लड़की का विवाह होता है तो उस पर विभिन्न प्रकार की जिम्मेदारियों का दबाव एक साथ आता है, जिनका प्रभाव सीधा उस लड़की के मस्तिष्क पर पड़ता है। सिंदूर में पारा एक तरल पदार्थ है जो कि मस्तिष्क के लिए बहुत ही लाभदायक सिद्ध होता है। पारा इन सभी रोगों से महिलाओं को मुक्त रखने में बहुत ही सहायक होता है। माना जाता है कि पुरुषों के मुकाबले महिलाओं का ये स्थान अधिक कोमल और संवेदनशील होता है। सिंदूर में मौजूद तत्व इस स्थान से शरीर में मौजूद विद्युत ऊर्जा को नियंत्रित करती है, इससे बाहरी दुष्प्रभाव से भी बचाव होता है। ऐसी मान्यता है कि जब हनुमान जी ने सीता माता को सिंदूर लगाते देखा तो पूछ लिया कि माता, आप सिंदूर क्यों लगा रही हैं? इसके जवाब में देवी सीता ने कहा कि मांग में सिंदूर लगाने से पति की आयु लंबी होती है। जो महिलाएं सिंदूर लगाती हैं वो आज जान गई होंगी कि सिंदूर लगाना केवल धार्मिक दृष्टि से ही नहीं बल्कि वैज्ञानिक दृष्टि से भी अत्यंत कल्याणकारी है। ये सिर्फ विवाहित स्त्री की सुंदरता में चार चांद ही नहीं लगाता बल्कि स्वास्थ्य के लिए भी काफी उपयोगी है। आज के लिए बस इतना ही। अगर आपके मन में भी है कोई सवाल जो आप शेयर करना चाहते हैं, जानना चाहते हैं, तो आप अपने सवाल हमें भेज सकते हैं info@sanskargroup.in पर। दीजिए इजाजत, नमस्कार।